अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर कल शाम मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक जितेंद्र औहाड़ ने अपने संबोधन के दौरान संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उपलब्धियों के बारे में बताया, साथ ही उनके संघर्ष के बारे में चर्चा किया। इस दौरान खुद पर हुए विनय भंग मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ एक मुसलमान महिला को आगे कर बड़ी साजिश की गई, जिसके चलते मैं रात रात भर सो नहीं पा रहा हूं। औहाड़ ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा, उन पर निशाना साधते हुए उन्हें भला बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ रिदा रशीद की गिरफ्तारी को लेकर 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे परवीन पवार से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। आइए जानते हैं इस मौके पर उनके संबोधन का वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। हमला बोल दिया था और हमारे 15-20 जवान उसमें मारे गए थे। हमारा फर्ज बनता है कि हम 2 मिनट के लिए खड़े रहें और शांति से उनको मौन धारण करें। मालूम नहीं किसका फोन आता है पुलिस स्टेशन बोलता है दबाव है, और एक झूठा मुकदमा जाकिर कर लेता है। पुलिस को तो आप पीछे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी तो रही नहीं है। एक पुलिस माइक का लाल ये नहीं बोला कि झूठ है, हम झूठी केस नहीं लेंगे। अरे कल एक औरत उठ के बोले कि तुमने मुझ पर बलात्कार कर दिया, तो क्या मुंबई पुलिस स्टेशन में भी केस लेगी? मुझे तब मेरे पर कोई भी केस होती तो मुझे कभी दुख नहीं होता, पर मुंबई पुलिस स्टेशन ने मेरे साथ जो नाइंसाफी की है उसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। हर आदमी की समाज में एक अपनी इज्जत होती है, उसके बेटी के सामने उसकी इज्जत होती है। जिन पुलिस ने एक केस लिखा उनको बहन माँ बेटी नहीं है क्या? अरे कोई तुमको कुछ भी बोले, तुमको वर्दी भी दी है ना, उस वर्दी से तो ईमान रखो, काहे को किसी के तन में चाटने जाते हो? मेरे अंगार से बोल रहा हूं, अंगार इधर लगा हुआ है। जिस दिन से वो केस हुआ है मैं रात को सोता नहीं हूं, और देखो कैसा किया इन्होंने। मैं पूरे देश में अकलियतों के लिए, इस देश की धर्म व्यवस्था के लिए, इस देश के संविधान के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाते रहता हूं। ये साजिश में जो भी शामिल है उन्होंने क्या किया, तो एक मुसलमान औरत को सामने रख के मुझे बदनाम करने का कोशिश किया। मालूम नहीं अभी मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान औरत ही नहीं है, मालूम नहीं, मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन ये पूरे देश में हजारों फोन आया मुझे, हजारों फोन, कोई कश्मीर से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई बंगाल से आया कि साहब हमें दुख है कि तुम्हारे ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगे। पुलिस को जरा भी शर्म नहीं आती। यहां पे बैठे हुए हमारे दलित लोग गए थे तुम्हारे सामने औरत ने बोला था चोर चंबार, आपने क्यों गुनाह दाखिल नहीं किया, आपने क्यों 4 दिन लगाए मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए? तुमने वीडियो देखने की भी दिलदारी नहीं दिखाई कि वीडियो तो देखे नहीं साहब दबाव आ गया। कल तुम्हारे बाप के साथ ऐसा हो जाता तो क्या दबाव के नीचे बाप के ऊपर दुगना दाखिल कर लेते क्या? हम भी राजनीति ही करते हैं और दिल खोल के राजनीति करते हैं। ये मुंबरा जो इतना शांत 12 साल था, ये हम सभी ने मिलके रखा था, बराबर है।
आज बुमराह का माहौल गंदा करने का काम पुलिस और उस औरत ने किया है। मुमरा में कभी ऐसा नहीं था कि कोई दलित उस पोषण पर बैठा है, कोई मुसलमान औरत कुछ कर रही है, कभी भी नहीं था ऐसा। तुम जितेंद्र आवार को खत्म नहीं कर सकते, उल्टा तुमने और जिंदा कर दिया जितेंद्र आवार को। मैं तो लड़ने वाला शख्स हूं। उस दिन भी जामिन नहीं देने वाला था, ये मेरी बीवी बोली नहीं जामिन ले लो, जामिन के लिए इंतजार मत करो। मैं तो कह रहा था कि मेरे को जाने दो जेल में, देखता हूं पुलिस मुझे कितने दिन जेल में रखते हैं। लेकिन मैं मुमरा पुलिस स्टेशन से विनती करता हूं, परसु तुम्हारा एक सीआरपी आके इधर मस्ती कर रहा था, अगर जान बुझ के भी एक लाठी चलाई आपने तो लिख लेना संघर्ष हमारे साथ है। हम जब तक शांत है हमें शांत रहने दो। जब यहां के सीनियर इंस्पेक्टर से सामने वह हमारा चोर चमार कहती है और सीनियर इंस्पेक्टर दाखिल गुनाह दाखिल नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? दबाव, गद्दारों का दबाव। ये दबाव किसका है? ये दबाव हमें मालूम करना है। अरे तुम फांसी तो नहीं दोगे ना? इतना याद रखो, मेरे जो 10% दुश्मन है मुमरा में उतना याद रखो। जब तक जिंदा हूं लड़ते रहूंगा, मेरे लड़ने से डरते हो तो मेरे मौत का इंतजार करना। खुदा हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद।